टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के घर किलकारी गूंजी है। उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने बेटे को जन्म दिया है। किंग कोहली एक बार फिर पिता बन गए हैं और इस बात की जानकारी पूर्व कप्तान ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया के जरिए दी। बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने इंस्टा हैंडल से बताया कि 15 फरवरी को उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अकाय रखा गया है। विराट ने इस पोस्ट में लिखा, हमें ये बताते हुए अत्यधिक खुशी हो रही है कि 15 फरवरी को हमने अपने बेटे अकाय और वामिका के छोटे भाई का इस दुनिया में स्वागत किया। हमने अपने जीवन के इस खूबसूरत समय में आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं हम चाहते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें। पूर्व भारतीय कप्तान के इस पोस्ट पर बधाइयों का तांता लग गया है। क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गजों ने कमेंट्स कर उन्हें शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया है। विराट कोहली ने 2017 में अनुष्का शर्मा से शादी की थी। दोनों ने शादी के पहले एक दूसरे को लंबे वक्त तक डेट किया था। 2021 में दोनों ने खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। विराट और अनुष्का की बेटी का नाम वामिका है। विराट फिलहाल भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज का हिस्सा नहीं है। उन्होंने निजी कारणों के चलते सीरीज से छुट्टी ली है। दिग्गज बल्लेबाज ने भारत के लिए 113 टेस्ट, 292 वनडे और 117 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। इनमें उन्होंने क्रम से 8,848 रन बनाए थे। अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले तेंदुलकर ने कोहली और अनुष्का को ट्वीट कर बधाई दी है। अकाय को उनके परिवार में कीमती तोहफा बताया। उन्होंने लिखा, अकाय के आने पर विराट और अनुष्का को बधाई। आपके खूबसूरत परिवार में एक कीमती तोहफा। जिस तरह उसका नाम कमरे को रोशन करता है, वैसे ही वो आपके जीवन को अंतहीन खुशी और हंसी से भर दे। यहाँ उन एडवेंचर को किया और हमेशा संजो कर रखे। दुनिया में आपका स्वागत है छोटे चैंपियन। कोहली ने हाल ही में घर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हटने का फैसला किया था। 2011 में पदार्पण के बाद से ये पहली बार था जब कोहली किसी घरेलू टेस्ट सीरीज से चूक गए। कोहली के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए 2024 आईपीएल सीजन में क्रिकेट में वापसी करने की उम्मीद है। ये टूर्नामेंट जून में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के तौर पर काम करेगा। यहाँ कोहली भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।